मैंने क्या किया, एक न्यू थ्रेड क्लास का नया क्लास बनाया और एक्सटेंड क्या किया, थ्रेड क्लास को हमने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। उसके अंदर क्या किया, पब्लिक वॉइड रन नाम का मेथड कॉल किया, जिस किसके अंदर होती है, थ्रेड के अंदर होती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लूप चला लेता हूँ, ठीक है, फॉर लूप यूज़ करता हूँ यहाँ से, जो कि आपको पहले से आती है। तो मैं इंट यूज़ करता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल का नाम आई कर देता हूँ और इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, 0 से स्टार्ट कर देता हूँ और आई को लेस देन इक्वल टू मैं 10 टाइम चलाना चाहता हूँ, ठीक है। और आई को मैं एक एक करके बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो एक एक लाइन से आई को मैंने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। और आई को कब तक चलाया, 10 बार चलाया और आई को मैंने एक एक करके इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एस ओ यू टी टैब प्रेस करता हूँ, ठीक है, एस ओ यू टी टैब, और यहाँ पर डालता हूँ चाइल्ड, ठीक है, CHILD, ठीक है। कौन सा थ्रेड है, ये चाइल्ड का थ्रेड है और ये हमारा मेन थ्रेड है, ठीक है, मान लो। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मेथड यूज़ करता हूँ स्लिप, ठीक है, क्योंकि पहले क्या हो रही थी कि जब हम रन कर रहे थे प्रोग्राम को तो मेन मेथड भी कभी चल रहा था, कभी हमारा चाइल्ड वाला भी चल रहा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले मेन मेथड चल जाए उसके बाद हमारा क्या हो, चाइल्ड चले, ठीक है। पहले इसको रन कर लेते हैं, उसके बाद हम सारे मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन यूज़ करूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है, और टैग, तो मतलब क्या होगा, मेन मेथड बन गया। और मेन मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना दूँ इस क्लास का, तो कॉपी कंट्रोल वी OBJ इक्वल टू न्यू, और आपका क्लास क्या है, न्यू थ्रेड, ठीक है, और सेमीकोलन। हमने ऑब्जेक्ट बना दिया इस क्लास का, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाई मतलब इसके जो भी प्रॉपर्टी हैं सब इसको एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो कैसे, OBJ डॉट, अब हमारे पास मेथड कौन सा है हमारा, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट। हमने क्या किया, थ्रेड को स्टार्ट किया, ठीक है। आपको पता है ना, थ्रेड स्टार्ट करने के लिए कौन सी मेथड होती है, ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट मेथड से हमारी क्या होती है, थ्रेड स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक फोर लूप यूज कर लूँ। फोर लूप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मान लो वन लाइन का प्रिंट करूंगा तो तुरंत इतना स्पीड चलेगा थ्रेड आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कौन थ्रेड पहले चला, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, 10 टाइम चाहे 20 टाइम यूज़ कर लेता हूँ कि कम से कम पता चले आउटपुट आते टाइम कि कौन सा थ्रेड चल रहा है, ठीक है, चाइल्ड वाला चल रहा है कि पेरेंट वाला चल रहा है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लूप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। इंट जे इक्वल टू कहाँ से, 0 से, और जे लेस देन इक्वल टू कब तक चले, 10 टाइम चले, ठीक है, सेमी कॉलन, और आई को जे को प्लस प्लस, ठीक है, जे प्लस प्लस, और इसकी मैंने क्या कर दी, बॉडी बना दी, ठीक है। एस ओ यू टी टैप प्रेस करो और यहाँ पर डाल दो मेन मेथड, ठीक है, मेन, सेव करो, राइट क्लिक और यहाँ से रन। ये हम पिछले क्लास से प्रोग्राम बनाते आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला आउटपुट रन हो रही है हमारी, यहाँ पे आउटपुट आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, ये हमारी मेन मेथड चला, मेन चला, फिर उसके बाद चाइल्ड चला, ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो मेन मेथड है हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं कब, तो देखो OBJ डॉट वहाँ पे डालता हूँ ज्वाइन, ठीक है, कौन सी मेथड, ज्वाइन मेथड, वहाँ पर हम टाइम डालते हैं मिली सेकेंड में, ठीक है, तो टाइम यहाँ पर डाल देता हूँ 100, ठीक है, और सेव करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ। क्या रही यहाँ पे, थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ऐड डॉट थ्रो, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन कुछ भी आ सकती है, क्योंकि थ्रेड चल रही है और थ्रेड को आप रुकाओगे तो क्या आ सकता है, इरर आ सकता है, ठीक है। तो उसको कौन हैंडल करेगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन हैंडल करेगा, राइट क्लिक और ऐसे रन फाइल, ठीक है। अब देखो क्या चला, पहले चाइल्ड चला, फिर उसके बाद कौन चला, मेन चला। तो इस मेथड का मतलब क्या हुआ कि पहले आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन करेगा कितने सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, ठीक है, तब तक कौन चल गया, चाइल्ड चल गया, ठीक है। आपको प्रायोरिटी देनी है कौन सी थ्रेड सबसे पहले चलती है, ठीक है।
आपको चेक भी करना है कि कौन से थ्रेड आपके सबसे पहले चलती है, तो क्या कर सकते हो, थ्रेड की प्रायोरिटी भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो आप देखते हैं थ्रेड की प्रायोरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो ओबीजे डॉट गेट प्रायोरिटी, ठीक है, सेमी कॉलन, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल एक्स एस ओ यू टी टैब प्रेस कीजिए और यहाँ पे कंट्रोल वी, और ऐसे इसको सेमी कॉलन को बंद करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। जो ऑब्जेक्ट की जो ओबीजे है इसके थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी मिल रही है, तो सबसे हाईएस्ट 10 होती है। ठीक है, तो देखो अभी हमारा कितना है, यहाँ पे वैल्यू 5 है। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल है थ्रेड का प्रायोरिटी, ठीक है, इक्वल इसके। तो आपको थ्रेड की प्रायोरिटी निकालने के लिए हम गेट प्रायोरिटी यूज़ करते हैं। अब किसी मेथड को हमें ज्वाइन करनी है, जैसे मान लो ये ज्वाइन हो कितने सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, ठीक है, चाहे 1 मिली सेकंड के बाद, तो आप क्या डालोगे, 100। ठीक है, यहाँ पे मिली सेकेंड में वैल्यू डालते हैं। तो अपने दो प्रॉपर्टी देखा, कौन कौन सी, ज्वाइन मेथड और गेट प्रायोरिटी मेथड। ठीक है, आई समझ में, हेलो, अब देखो ये तो मैंने क्या किया, मेन मेथड को स्लिप पर डाला। ठीक है, अब चाहो तो केक इसको भी डाल सकते हो, इस वाले थ्रेड को भी डाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे इसको डालोगे, तो मैं फोर लूप के अंदर जाता हूँ और डालूंगा थ्रेड डॉट स्लिप, HRED, THREED, थ्रेड डॉट स्लिप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी। ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ 100। क्लियर, अब इसको क्या करना होगा, थ्रो के थ्रू यूज़ करना होगा हमें, या तो ट्राई कैच यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्राई कैच पढ़ लिया हुआ है पिछले क्लास में, तब हम उसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। कैसे, तो ट्राई TRY और इसकी बॉडी बना दो, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कैच CATCH, कैच, और यहाँ पे इसकी बॉडी। अब यहाँ पे क्या करूँगा, ट्राई के अंदर मुझे एक्सेप्शन जिस कोड में आ रही थी उस कोड को यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, और कैच के अंदर क्या पास करूँगा, एक्सेप्शन EXCEPTION, एक्सेप्शन, और यहाँ पे डाल दो कुछ भी EX, और यहाँ पे EX डॉट प्रिंट ट्रैक। ठीक है, क्लियर, अब ये थ्रेड कितना देर के लिए सो जाएगा, पहले ये स्लिप में जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा हमारा पहले चलता है रन। ठीक है, देखो अभी क्या चला, वो हमारा मेन मेथड चला, उसके बाद कौन सा आया, हमारा चाइल्ड मेथड। ठीक है, तब आपको समझ में आ गई होगी कि जिस थ्रेड को हमें पहले चलाना होगा उस थ्रेड को हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जिसको बाद में चलाना होगा उसको क्या कर देंगे, स्लिप डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे ज्वाइन मेथड हो गया, स्लिप मेथड हो गया। ठीक है, तो इतने देर के लिए थ्रेड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, चलेगा नहीं। ठीक है, तो पहले हमारा मेन मेथड चल जाएगा, उसके बाद ये जब इसका टाइम होगा, इंटरवल पूरा होगा, तब जाके क्या होगा, ये वाला थ्रेड आपका रन होगा। समझ में आई, अब देखो यहाँ पे एक और हमारे पास मेथड होती है, इल्ड मेथड। ठीक है, तो इल्ड मेथड क्या करती है, इसका भी समझ लो, तो थ्रेड THREAD डॉट इल्ड। ठीक है, अब यील्ड मेथड ये करती है, मैं बताता हूँ, कभी भी आप सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, तो कोई भी आप सामान खरीदने जाते हो, तो आपके साथ वाला जो पर्सन होता है, कस्टमर होता है, वो क्या कर रहा होता है, सामान ले रहा होता है। ठीक है, जैसे वो सामने वाला पर्सन को 100 सामान लेना है, कितना सामान लेना है, 100, और आपको केवल एक कोलगेट लेना है। ठीक है, ओनली वन, एक सामान। तो ऐसा नहीं होता है ना कि जब कस्टमर मतलब शॉपकीपर होता है, पहले उसको 100 सामान दे देता है, फिर आप खड़े रहते हो, तब जाके आपको देता है, ऐसा थोड़ी ऐसा होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा इल्ड मेथड करता है, क्या करेगा, जैसे आप बीच में जाते हो सामान लेने, आपको एक या दो सामान लेना होता है, आपको जो शॉपकीपर है वो देता है सामान, और आप क्या करते हो, चले आते हो घर। ठीक है, तो मान लो ये वाला प्रोसेस हमारा 100 टाइम चलने वाला, कितना, 100 टाइम, और हमने क्या लिखा है यहाँ पे, थ्रेड डॉट इल्ड, मतलब इसका हुआ कि जब ये वाला थ्रेड 100 बार प्रिंट होता रहेगा, कितना बार, 100 बार, जैसे ही इस वाले थ्रेड को टाइम मिलेगा, ये क्या कर लेगा, रन कर देगा ये मेथड को। समझ गए, इल्ड मेथड हुआ कि जैसे बीच में कुछ भी टाइम मिला, इस थ्रेड जैसे फ्री हुआ, ये वाला थ्रेड हमारा मेन मेथड का थ्रेड जैसे ही फ्री होगा, तो इस वाले थ्रेड को क्या कर देगा, बीच बीच में रन कर देगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखना कस्टमर वाली। ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से रन करते हैं।
देखो अभी हमारा क्या चल रहा है, मेन मेथड चला ठीक है, मेन के बाद हमारा क्या चला, चाइल्ड चला ठीक है। तो ऐसे चलता है आपका इल्ड मेथड ठीक है। तो आपके छोटे छोटे क्या थे मेथड से आपको यूज़ करना है ठीक है। तो थ्रेड कंप्लीट हुआ हमारा, अब आते हैं हमारा स्टैटिक थ्रेड ठीक है। तो स्टैटिक थ्रेड क्या होगा, जब हमारा क्लास लोड होगा थ्रेड क्लास का, उसी टाइम पे क्या होगा हमारा स्टैटिक थ्रेड कॉल हो जाएगी ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, स्टैटिक थ्रेड को कॉल करने के लिए हम सिम ऐसे ही हम जो हमारा करंट थ्रेड है उसको स्टार्ट करके हम स्टार्ट करते हैं, किसका, स्टैटिक थ्रेड को, जो हमारा करंट थ्रेड जो चल रहा होता है ठीक है। जैसे मान लो जावा का प्रोग्राम पहले भी तो रन करता था विदाउट थ्रेड भी ठीक है, तो बट हम थ्रेड वाला कंसेप्ट क्यों लाए, तो थ्रेड वाला कंसेप्ट इसलिए है जैसे कि हमें पार्ट मतलब पैरेलल मतलब एक साथ बहुत सारे वर्क करने होते हैं। मैंने एक सिंगल थ्रेड बनाया है उसको रन कर रहा हूँ ठीक है। तो आपके प्रोग्राम में बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं ठीक है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं ठीक है। कभी म्यूजिक वाला चलता है, कभी वीडियो चलता है, क्रोम चलता है, नेटबीन्स चलता है, इक्लिप्स चलता है, इतने सारे प्रोसेस चलते रहते हैं ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सब लगातार काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं नहीं ना। तो इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसर ऑक्टा कोर लेते हैं, 8 कोर वाला रहेगा ठीक है, क्वाड कोर मतलब 4 कोर रहेगा। तो जिसका ऑक्टा कोर रहता है उसका रैम कभी फंसता नहीं है ठीक है, जितना तो भी प्रोग्राम रन कर दो। तो यही सब चीज़ें होती हैं, समझ में आई। ऑक्टा कोर मतलब जिसमें 8 कोर होगा। तो मैं उन लोग के अपने दो प्रोग्राम रन किया ठीक है, एक क्रोम चल रहा है, एक हमारा नेटविन चल रहा है ठीक है। तो 8 कोर में कोई ना कोई तो कोर खाली ही होगा, तो जिसको जब टाइम मिलेगा आप रन किए नेटविन्स को तो नेटविन्स को रन कर देगा, क्रोम को रन किया हो तो क्रोम को रन कर देगा। और जिसमें क्वाड मतलब जिसमें 4 कोर होगा ठीक है, तो उसमें चार अपने प्रोग्राम खोल कर रखा हुआ है ठीक है। जैसे आपने पाँचवा खोला तो क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी ठीक है। तो हम जब भी लैपटॉप लेते हैं तो किसमें कौन सा लेते हैं, क्वाड कोर लेते हैं ठीक है, या फ़ोन भी लेते हैं तो हम लोग कौन सा प्रोसेसर लेते हैं, क्वाड कोर ऑक्टा क्लियर, ऑक्टा कोर ठीक। जितना हमारा कोर ज़्यादा होगा वो वाले हम क्या करते हैं, फ़ोन और लैपटॉप लेते हैं ठीक है। ये हमारा सिनेरियो रहती है, जितना कोर ज़्यादा होगा रन करने में हमारा प्रोग्राम को कम टाइम लगेगी ठीक है। उसके बाद आती है हमारी थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन ठीक है। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कब अकर्स होता है कि देखो, जैसे मान लो 4 लोग हो ठीक है, एक ही ग्रुप में, एक रूम में 4 लोग रहते हैं, चारों ने क्या किया, ये सोचा कि हम चलो एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, 4 लोग एक रूम में रहते हैं ठीक है। तो 4 लोग गए बैंक के अकाउंट अपना खोला एक ही बैंक में, और क्या हुआ कि उन लोगों ने 50,000 रुपया जमा किया ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ ज़रूरत पड़ा तो 4 लोग क्या चले गए, कुछ लोग चले गए एटीएम से निकालने ठीक है, कुछ लोग चले गए अपने बैंक से निकालने ठीक है। उनके अकाउंट में कितना है, 50,000 रुपया। अब जैसे मान लो अकाउंट से निकालने वाला पर्सन गया, वो कितना निकाला, उसको दिख रहा है कि मेरे पास 50,000 रुपया है ठीक है, वो 50,000 निकाल लिया। जो एटीएम वाला पर्सन है वो भी गया निकालने के लिए पैसा, उसको भी कितना दिख रहा है, 50,000 रुपया दिख रहा है ठीक है। तो एक ही पर्सन को कितने सारे दिख रहे हैं, उसको 50,000 रुपया दिख रहे हैं ठीक है। यहाँ पर मान लो T1 यूजर किया है ठीक है, यहाँ पर मैंने 5,000 रुपया दिखा है ठीक है। रियल प्रॉब्लम बैंक का है कि ये 5,000 रुपया है बैंक में ठीक है। तो T1 को भी कितना दिख रहा है, 5,000 रुपया, T2 को भी कितना दिख रहा है, 5,000 रुपया, और T3 को भी दिख रहा है 5,000 रुपया ठीक है। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन ये करता है कि जैसे हमारा पैसा निकला उसी टाइम क्या कर देगा, ये अपडेट कर देता है ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, हमारा थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन सॉल्व करता है ठीक है। तो हमारा थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करने के लिए सिंक्रोनाइज्ड और यहाँ पे दिस पास करते हैं बस ठीक है। तो ये हमारा थ्रेड के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, आई समझ में। हेलो यस ठीक है। तो देखो अभी सभी लोग फिर से ध्यान से सुनो, जितने लोग हैं सभी लोग, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा ठीक है, एक बार उसको सबको रिकॉल कर लेते हैं ठीक है। तो देखो यहाँ से आ जाओ, इसके नीचे मैं डालते जाता हूँ ठीक है। तो जो फर्स्ट डे हमने पढ़ा था जावा के बारे में देखा था ठीक है, फिर उसको दूसरे दिन हमने क्या देखा था, उसके जावा का हिस्ट्री ठीक है, HISTORY ठीक है। उसके बाद थर्ड डे के जैसे मान लो थर्ड टॉपिक हमारा था JVM, JRE और JDK ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड ठीक है, फोर्थ ठीक है, JVM, JDK, JRE। उसके बाद हमने क्या देखा था यहाँ पर डेटा टाइप, डेटा टाइप TYPE आप रिकॉल करते जाना ठीक है। फिफ्थ हमारा था डेटा टाइप, जैसे हुआ उसके बाद हमारे पास दो टाइप थे ठीक है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव इसके अंदर ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या था, वेरिएबल्स था ठीक है,
VARIABLE, ठीक है। वेरिएबल्स के बाद हमारा छठा टॉपिक था हमारा, वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, लोकल, ग्लोबल और उसको स्टैटिक बोल सकते हो, ठीक है। तो लोकल LOCL, ठीक है, लोकल वाला, ग्लोबल स्टैटिक, ये समझ जाना वेरिएबल। फिर हमारा सातवां टॉपिक था फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन हमने कैसे देखा था, FUNCTION, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर क्या समझोगे आप, तो फंक्शन स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, STATIC एंड नॉन स्टैटिक, ठीक है। फंक्शन मेथड यहाँ पे बोलते हैं METHOD, ठीक है। ये सब हमारा फर्स्ट ईयर के अप्रोक्स चल रहा था ये सारे, ठीक है। फिर एट टॉपिक में डालता हूँ, एट के बाद एक कंप्लीट होने के बाद हमारा उप्स स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उप्स डब्लो उप्स कंसेप्ट के अंदर हमने सारे जितने भी टॉपिक्स थे सबका क्या देखा था, हमने पहले दिन हमने डिफ्रेंशन देखा था, उसके बाद हमने क्या किया था, पहले स्टार्ट किया था इनकैप्सुलेशन, ENC इनकैप्सुलेशन, ठीक है। उसके बाद इनकैप्सुलेशन के बाद हमने क्या देखा था आपका, एक क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरे क्लास में आते हैं तो हम क्या यूज कर, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो INHERITANCE, ठीक है, इनहेरिटेंस। उसके बाद हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म, दो टाइप के, PO पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमने देखा था मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है, METH, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, ठीक है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगी, देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बाद फिर हमने देखा था, यहाँ से फिर हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था दिस का, ठीक है। दिस के बाद हमारा स्टार्ट हुआ था सुपर का, SUPER, ठीक है। फिर सुपर के बाद हमारा स्टार्ट हुआ था फोर वेरिएबल, फोर मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद फोर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, हमारा उसके बाद कंस्ट्रक्टर टॉपिक पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। CONSTRUCTOR, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के बाद हमने देखा था कंस्ट्रक्टर दो टाइप के, एक पैरामेटराइज और दूसरा हमारा यूजर डिफाइंड, ठीक है। तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, एक पैरामेटराइज था और हमारा एक यूजर डिफाइंड था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था दिस सुपर कंस्ट्रक्टर के बाद हमने एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ABSTRACTION एब्स्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद हमने देखा था इंटरफेस, FACE, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। इंटरफेस के बाद उसके बाद हमने देखा था इंटरफेस की वजह से कंप्लीट हुआ हमारा स्टार्ट क्या हुआ था, ठीक है। तो इंटरफेस के बाद हमने क्या स्टार्ट किया था फिर आपका, इंटरफेस, उसके बाद पैकेज स्टार्ट हुआ था, पैकेज के बाद हमारा PACKAGE पैकेज, ठीक है। पैकेज के बाद फिर हमारा स्टार्ट हुआ था अरे, स्टार्ट हुआ था ARRAY, ठीक है। अरे में हमने सारे प्रोग्राम्स देखे थे, ठीक है। फिर अरे के बाद हमने स्कैनर क्लास देखा था, SCANNER, ठीक है, स्कैनर, ठीक है। अब स्कैनर के बाद हमने स्टार्ट किया था आपका एक्सेप्शन, ठीक है, EXCE20, EXCEPTION एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद थ्रेड, THREAD, ठीक है। तो इतने सारे हमारे मेन मेन टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो अभी इसलिए मैंने बताया कि आप कल के क्लास में ये सारे आप क्या करोगे, प्रिपेयर करके आओगे, ठीक है। इसलिए करके आओगे क्योंकि अब हमारा इस कोर जावा से अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब कलेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखो कलेक्शन हमारा, ठीक है, अब देखो हम क्या है हमारा कलेक्शन, ठीक है। तो कलेक्शन आपको फुल्ली जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है, क्या है हमारा कलेक्शन है, क्या है फ्रेमवर्क है, जो क्या है कि ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं डेटा किस टाइप का स्टोर करते हैं, हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस, ठीक है। तो जो आपको हमने मैंने अरे पढ़ाया था उस टाइम पे क्या बताया था कि जब हम अरे डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे हमारी क्या होती है, मेमोरी वेस्टेज हो जाती है, ठीक है।
तो वही सब आप काम कौन सा करेगा, सॉल्व करने वाला हमारा कलेक्शन करेगा, ठीक है। तो कलेक्शन से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से, तो लिस्ट से पूछा जाएगा और सेट से पूछा जाएगा और मैप से पूछा जाएगा। किससे किससे? लिस्ट, सेट और मैप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है, ये अधिकतर पूछा जाता है। फिर उसके बाद हैश सेट में क्या डिफरेंस है, लिंक्ड हैश सेट में क्या डिफरेंस है, ट्री क्या होती है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन किससे बनते हैं आपके, कलेक्शन से बनते हैं, ठीक है। तो अब समझो कि कलेक्शन हमारा कंप्लीट होगा, तो हमारा अभी कल के क्लासेस को स्टार्ट करूँगा, तो अभी आपको टाइम मिलेगी कोड जावा रिवाइज करने की, ठीक है। तो कलेक्शन भी एक एक टॉपिक को मैं जैसे आप बताया हूँ कि कैसे आपको बनाना है, कैसे समझाया हूँ और प्रोग्राम जैसे कराया हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा आपका जावा 8 कहाँ गया, उसके बाद जो हमारा फिर इसमें से अभी लिंक्ड लिस्ट का अभी चलेगा हमारा, इसके बाद हमारा रैपर क्लासेस होगा। रैपर क्लासेस के बाद जावा 9th के बाद हमें JSP स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें अप्रोक्स 2 दिन लगेगा, किसमें, कलेक्शन फ्रेमवर्क में। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा आपका JSP, ठीक है, यहाँ से। तो इससे पहले आप लोग जो फ्रंट एंड पे हो, ये भी हमारा फाइल हैंडलिंग ही है अभी, ठीक है। तो हमें ये भी टॉपिक पढ़ना है फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका Day 10 में क्या आती है, हाँ तो Day 10 अप्रोक्स 3rd डे के बाद आपका क्या हो जाएगा, सबनेट और JSP स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इससे पहले आपको सभी चीज़ें कंप्लीट करके रखनी है, ठीक है, कोर जावा। आई समझ में, मैंने ओवरव्यू इसलिए दे दिया कि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, आई समझ में। और देखो सभी को मैं एक सीट दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो जो पर्सन अपना काम करेगा उसको डालना है वैसे, ठीक है, सीट में सभी लोग अपना वर्क डालेंगे जो इस ट्रेनिंग में कर रहे हैं, जिन्होंने एक भी प्रोग्राम किया, जितना टाइम डाला है, कब से कब तक किया, सब डालेंगे, ठीक है, आई समझ में। ओके सर। ठीक है, तो मैं क्लास क्लोज करता हूँ। कल से हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन